भाजपा में शामिल हुए बरेली से 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक कुंवर सर्वराज सिंह के पुत्र सिद्धराज सिंह। आपको बताते चले, बरेली आंवला लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक रह चुके कुंवर सर्वराज सिंह बड़े नेताओं में शुमार है। वहीं राजनाथ सिंह के एक समय में करीबी माने जाने वाले कुंवर सर्वराज सिंह आज फिर दोबारा राजनीति में अपनी पैठ जमाना चाहते हैं। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सर्वराज सिंह की बुरी हार हुई थी। हालांकि अब उनके पुत्र सिद्धराज ने नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वहीं अंदर खान ने भारतीय जनता पार्टी भी कुंवर सिद्धराज सिंह को चुनाव उतार कर क्षत्रिय वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। आपको बताते चले, वहीं पार्टी भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती। कयास लगाए जा रही है कि कुंवर सिद्धराज सिंह इस बार आंवला विधानसभा या बरेली की ही किसी विधानसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार होंगे। जब इस विषय पर कुंवर सिद्धराज सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं किसी लालसा में नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास मॉडल और उनसे प्रभावित होकर भाजपा की सदस्यता ली है। योगी सरकार में अपने काम बताने वाली अगर यह सपा के काम है तो आखिर समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेकर 17 तक इन कामों को क्यों नहीं करवाया, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव योगी सरकार में किए गए कामों को अपना बता रही है। वहीं सिद्धराज सिंह का कहना है कि अगर यह काम समाजवादी पार्टी के थे तो आखिर योगी सरकार को इन कामों को करवाने की क्यों जरूरत पड़ी। उसके बाद मैं जरूर देश की सेवा के लिए चुनाव लड़ूंगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी सरकार बनाएगी और अगर मौका मिला तो इस बार हम और भी ज्यादा मेहनत कर जनता के लिए काम करेंगे, विकास करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। क्या नाम है आपका? मुझे सिद्धराज सिंह कहते हैं, मैं बरेली का निवासी हूं। अभी मैंने हाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं भाजपा परिवार का हिस्सा हूं। सिद्धराज जी, भाजपा की जैसे आपने सदस्यता ली है तो उसमें क्या आपका चुनाव लड़ने का क्या मन है अगर भाजपा आपको मौका देती है? मैंने सदस्यता बिना किसी शर्त के लिए है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी का हिस्सा बन रहा हूं। चुनाव के बारे में अभी कोई बात हुई नहीं है, पर अगर पार्टी मुझ में चुनाव का विश्वास रखती है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा और परिणाम निकालने की कोशिश करूँगा, दूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि इस बार भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भगवान उनकी इच्छा पहले पूर्ण करे, पर उन्हें यकीन नहीं है, उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है।